जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसके कई रंग हैं। जिंदगी के यही रूप नहीं, एक दुनिया और भी है। दुनिया के कदीम तरीन सहराओं में से एक है। इसका ताल्लुक उस अर्जियाती दौर से है जो 4 अरब 60 लाख साल कदीम है। थर बर्रे आजम एशिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका रकबा तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यह सरहद के पार तक फैला हुआ है। जिला थरपारकर रकबे के एतबार से सूबे सिंध का सबसे बड़ा जिला है। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, थर और पारकर। थर का मतलब है खुश्क खित्ते और पारकर के मानी है खुश्क खित्ते के उस तरफ। थर के मशरक में नगर पारकर का कोहिस्तानी इलाका है। कारोंझर के इन पहाड़ों में चिकनी मिट्टी और मादनियात के खजाने छुपे हुए हैं। इसके दामन में नगर पारकर का छोटा सा कस्बा आबाद है। मगरब में दरियाए सिंध के साथ साथ शादाब इलाके हैं। मीरपुर खास थरपारकर का मरकजी शहर। ये आमों की पैदावार के लिए बैनुल अक्वामी शोहरत रखता है। कुनरी और उसके कुर्बो जवार का इलाका दुनिया में मिर्चों की तिजारत के बड़े मराकज में से एक है। मशरक और मगरब के दरमियान रेत ही रेत है, प्यास ही प्यास। थर का 80% से ज्यादा इलाका रेगिस्तान है, लेकिन इसकी मिट्टी में अजब तासीर है। बारिश का एक छींटा पड़ते ही ये जमीन मुस्कुराने लगती है, सहरा लहलहा उठता है। लेकिन आंखें गहरे बादलों को ढूंढती ही रहती हैं। जहां तक सड़कें आती हैं वहां बआसानी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सहरा का सफर मजबूत गाड़ियों के बगैर मुमकिन नहीं।
आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मखसूस साख के ये ट्रक इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मकामी आबादी ठेकरा कहती है। थर के बाशिंदों का सबसे बड़ा रफीक ऊंट है। जहां कुछ भी नहीं वहां यही सब कुछ है। सवारों को दूर से पहचाना जा सकता है। अगर किसी मर्द के पीछे कोई खातून बैठी हो तो वो उसकी बीवी होगी, जबकि माँ और बेटी को उमूमन ऊंट पर आगे जगह दी जाती है। तारीख खुद थर की तरह बिखरी और फैली हुई है। कदीम जमाने में मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान, हिंदू, बुद्ध और जैन हुक्मरान बरसरे इख्तदार रहे। अब बेशतर आबादी मुसलमान और हिंदुओं पर मुश्तमिल है। मुसलमान अक्सरियत में है। थर के बाशिंदों को थरी कहा जाता है। ये कई कबीलों में बटे हुए हैं। बहुत से कबीले सिर्फ अपने हुनर से पहचाने जाते हैं और सदियों से अपनी जद्दी पुश्ती पेशे को अपनाए हुए हैं। थरी अपने हाल में मगन है। जो मिल गया खा लिया, जो दस्तियाब हुआ पहन लिया। बास औकात तो एक लिबास जिस्म से फटकर ही उतरता है। अब भी यहां बहुत सी जगहों पर करेंसी के जदीद निजाम के बजाय माल के बदले माल यानी बार्टर सिस्टम राइज है। थरी खवातीन अपने मखसूस कड़ों से पहचानी जाती हैं। इन्हें बाहियों कहते हैं। गैर शादीशुदा खवातीन बाहियों सिर्फ कोहनियों तक पहनती हैं। अगर किसी खातून की कोहनियों के साथ साथ ये कड़े बाजुओं में भी नजर आए तो ये उसके सुहाग की अलामत समझे जाते हैं। सहरा की मिट्टी इंसान को बहुत जल्द सने बलूगत को पहुंचा देती है। इसीलिए यहाँ 10-12 साल की बच्चियों की भी शादी कर दी जाती है। Thank you.
घर का तसव्वुर जागता है। खरी इन मखसूस घरों में रहते हैं। इन्हें चने से मुशाबा होने की वजह से चौरा कहा जाता है। इसकी दीवारें और फर्श उमूमन मिट्टी और भूसे की होती हैं और छत दरख्त की शाखों और घास की मदद से बनाई जाती है। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द रहते हैं। नर्म नाजुक होने के बावजूद ये रेत के झकड़ों को बड़ी आसानी से सह लेते हैं। इनमें बारिश का पानी भी दाखिल नहीं होता। मवेशी खरियों की कुल कायनात है, यही इनकी आमदनी का जरिया भी है। जब इन्हें रकम की जरूरत होती है तो ये अपने मवेशियों को करीबी मंडी में लाकर फरोख्त करते हैं। मवेशियों से हासिल होने वाले बाल और ऊन थर में कायम घरेलू सनत के लिए खाम माल की हैसियत रखती है। यहाँ बालों से धागा बनाने के रिवायती तरीके राइज हैं। इस तरह धागा बनाने को ढेरी कहते हैं। इन्हीं बालों से बनाई जाने वाली ये दरी खड़ कहलाती है। इन बालों से कंबल और चादरें भी बनाई जाती हैं। उन्हें खथो कहते हैं। खवातीन और मर्द जो चादर पहनते हैं वो लोई कहलाती है। यहाँ के कालीन बेनजीर हैं। बेरंग सहरा में गहरे रंग के मलबूस अजब रंग बिखेरते हैं। थरी खवातीन पर्दे की सख्त पाबंद हैं। अजनबी नजरों की चुभन को ये बहुत दूर ही से महसूस कर लेती हैं। यहाँ की औरतें पाकिस्तान की अक्सर खवातीन की तरह मर्दों के मुकाबले में ज्यादा काम करती हैं। आराम के जो चंद लम्हे मयसर होते हैं उनमें ये अपनी जात के कर्ब तन्हाई और चाहतों को नक्शोनिगार का रूप बख्शती हैं। थर शराब नहीं हकीकत है। इसकी रेत पर से नामवर हुक्मरान और मुजाहिदीन के काफले गुजरे। उनके कदमों की चाप अब भी सुनाई दे रही है। महमूद गजनवी, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नादिर शाह अफशार, सैयद अहमद शहीद, थर में मां कबल तारीख के आसार भी मिलते हैं। कदीम जमाने में यह हाकड़ो तहजीब का एक मरकज था। यहाँ दरावड़ी दौर के नकूश भी माजी से झांकते नजर आते हैं। कुंडरी के करीब नोहटो नामी मकाम से मुअनजदड़ो के अहद की एक मोहर भी मिली है। मीरपुर खास के नजदीक इंतहाई कदीम तहजीब के आसार मौजूद हैं। इन्हें काहुजो दड़ो कहा जाता है।
पारी नगर तकरीबन 2000 साल कबल एक बैन अल-अक़वामी बंदरगाह थी। कभी यहाँ समंदर थाटी मारता था, अब यहाँ हर तरफ रेत उड़ती हुई दिखाई देती है। जैन दौर के कुछ आसार अब भी यहाँ मौजूद हैं। वीरावाह में वाकई ये खूबसूरत मंदिर भी जैन तहजीब की यादगार है। नगर पारकर का ये जैन मंदिर भी अपने अहद का किस्सा ख्वां है। वीरावाह से कोई 14 मील परे गोरी का मंदिर है, ये भी जैन मत की इबादतगाह है। ये 1376 ईस्वी की तामीर कही जाती है। नगर पारकर से 4 मील पहले भोडेसर में एक तारीखी मस्जिद वाक़े है। इसे गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा बिन मुजफ्फर शाह की सिंध आमद के वक्त यादगार के तौर पर तामीर किया गया था। थर में कई किले भी तामीर किए गए। ये सहरा और शादाब इलाकों के संगम पर वाक़े हैं। नौ कोट का किला 1814 ईस्वी में तालपुर हुक्मरान मीर मुराद अली खान ने तामीर कराया था। उमरकोट एक तारीखी शहर है। यहाँ 1542 ईस्वी में मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आंखें खोली। यहाँ भी एक तारीखी किला मौजूद है जो उमर सुमरो बिन दोदो से मंसूब किया जाता है। इस किले ने दुनिया अदब को उमर मारुई जैसी लोक दास्तान दी। अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इस लोक कहानी को सुर मारुई में बयान करके अमर कर दिया। शाह लतीफ ने मारुई की बस्ती भालवा को मलीर के नाम से पुकारा है। मलीर यानी सरसब्ज और शादाब इलाका। उमर सुमरों तक जब मारुई के हुस्न जमाल के चर्चे पहुंचे तो उसके दिल में भी मारुई को हासिल करने की ख्वाहिश जाग उठी। वो मारुई की बस्ती में आया। उस वक्त मारुई पनघट पर पानी भर रही थी। उमर सुमरो उसे उठाकर उमरकोट ले आया, जहां उसने मारुई को इस उम्मीद पर कैद में रखा कि शायद वो शादी के लिए राजी हो जाए। लेकिन मारुई की आंखों में तो मलीर बसा हुआ था। मिट्टी की खुशबू के आगे किले की शाहाना जिंदगी कुछ भी न थी। उमर सुमरो पाक दामन मारुई की इस्तकामत देखकर उसे रिहा करने पर मजबूर हो गया। आज भी सिंध के लोक फनकार मारुई के दर्द के तर्जुमान हैं। सहरा में जानदार जिंदगी की अलामत है। मोर हर जा अपनी रानाइयां बिखेरता नजर आता है। ये सांप के जानी दुश्मन है।
यहाँ मौसम गर्मा में हर जानिब सांप ही सांप दिखाई देते हैं। पियर एक इंतहाई खतरनाक सांप है। मकामी रिवायत के मुताबिक ये सोते हुए इंसान के जिस्म में अपना जहर सांस के जरिए दाखिल करके उसे हमेशा की नींद सुला देता है। पियर से बचने के लिए सहरा के बाशिंदे रात को प्याज और लहसुन खाकर और उन्हें चारपाई से बांध कर सोते हैं, क्योंकि इनकी बदबू से ये सांप दूर भागता है। लुंडी भी जहरीला सांप है। ये पगडंडियों पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है और उसे दसकर ही दम लेता है। यहाँ सांप के काटे का इलाज रिवायती तरीके से किया जाता है। मौलिच को भोपू कहते हैं। उसके साज बजाने वाले साथी को पावड़ियो कहा जाता है। भोपू जहर चूसता है और पावड़ियो मंत्र पढ़ता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों के हथियार बूमरैंग के तर्ज पर यहाँ जानवरों के शिकार के लिए कातर इस्तेमाल किया जाता है। थर की रेत चोर के पांव की बेड़ियां हैं। यहाँ माल की बाजियाबी का एक मुनफरिद निजाम राइज है। चोर के पैरों के निशानात की मदद से खोजी उन्हें जल्द ही शनाख्त कर लेते हैं। खोजियों को पैरी कहा जाता है। बाबा ये पानी किसे मिलन दो? काट्यो काट्यो घणो परते आए थे? इतना बी है केड़े पासे है? इन पासे। इन पासे हां। थर की पूरी जिंदगी का महवर पानी है। जहां जहां पानी है वहां वहां जिंदगी है। सुबह के आगाज से ही पानी की तलाश शुरू हो जाती है। लोग मीलों दूर से कुओं से पानी लेने आते हैं। यहाँ ऊंट की मदद से पानी निकालने का कदीम तरीका ही राइज है। छोटे शहरों में पानी की मार्केटें भी कायम हैं। बहुत सी कुओं का पानी खारा और जहरीला है, लेकिन लोग उसे पीने पर मजबूर हैं। थर में कई मौसम अब्र बरसे बगैर ही गुजर जाते हैं। एक नस्ल बारिश देखे बगैर ही जवान होने लगती है। कुएं तालाब और जोहर सब ही सूख जाते हैं। हर तरफ भूख के मुहीब साए फैलने लगते हैं। फिर थर के बासी नई दुनिया की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें जहां पानी नजर आता है वहीं बसेरा कर लेते हैं। एक काफला जब दूसरी जगह पहुंचता है तो उसे खुशामदीद कहा जाता है। थर में छाई हुई खजा में खुशी के यही चंद लम्हे हैं। थर सहराए जिंदगी, यहाँ मसायब बेहिसाब, लेकिन जिंदगी रवां दवां।
दुनिया में देहात सिमट रहे हैं और शहर वसी होते जा रहे हैं। शहर की रौनक इंसान को कैद कर लेती हैं, लेकिन थरी मारुई की तरह आसाइश की जंजीरें तोड़कर अपने मरकज की जानिब लौट जाना चाहते हैं। थर के लोग अपनी मिट्टी, अपनी रिवायात और अपनी आजादी से मोहब्बत करते हैं। इनके दिलों में दुख मौजसन है, लेकिन चेहरों पर जिद्दोजहद सजी है। इन्हें अपनी हस्ती के मिटने का गम नहीं, आने वालों की फिक्र है। मसाइब का ये कड़ा दिन भी गुजर ही जाएगा, जब अब्र बरसेंगे तो एक नया दिन शुरू होगा। ये उसी दिन के इंतजार में है।